ना भूलें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कुछ लोगों द्वारा दो नाबालिग दलित बच्चों की लाठियों से पीट पीट कर हत्या की थी, जिसका विरोध बड़वाह के स्थानीय वाल्मीकि समाज व समस्त बहुजन संगठनों ने करते हुए मौन रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। उक्त रैली बस स्टैंड स्थित अंबेडकर प्रतिमा से शुरू होकर MG रोड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां समाज जनों ने राष्ट्रपति के नाम लिखा ज्ञापन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते सुनील चावरे ने बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र के भावखेड़े गांव में शौच करने की मामूली बात को लेकर स्वर्ण जाति के दबंगों ने अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज के दो मासूम बच्चे अविनाश 10 वर्ष व रोशनी 13 वर्ष की हत्या कर दी। इस दौरान हत्यारों ने कहा कि भगवान का आदेश हुआ है कि राक्षसों का सर्वनाश कर दो, यही अमानवीय एवं विभत्स दर्दनाक घटना है, जिसके समस्त अनुसूचित जाति वर्ग घोर निंदा करता है। वर्तमान में नित्य दलित वर्ग पर छुआछूत की दुर्भावना से दबंग स्वर्ण जाति के लोग मारपीट व हत्या आकारण करते हैं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग में काफ़ी भय का माहौल निर्मित हो रहा है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार सदस्य को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और शासकीय नौकरी दी जाए। वहीं आरोपी गणों को फांसी जैसी कठोर सजा देकर मासूम बच्चों की आत्मा को शांति दी जाए, जिससे कि आगामी होने वाली इस अप्रिय घटना पर रोक लग सके। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरे मध्य प्रदेश में झाबुआ का नाम रोशन करने वाले राजगढ़ नाका मंत्र मंडल ने 30वां नवरात्रि चल समारोह निकाला। बस स्टैंड पर केरल